टू समर शेक्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लाया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए पेपर का बहुत बड़ा प्लेन लाया हूँ, जो कि आप अपने घर पे भी बना सकते हैं और आप उससे इंजॉय कर सकते हैं। हमें इस प्लेन को बनाने के लिए पेपर, जो कि ये हमें है, और फेविकॉल और स्टेपलर की ज़रूरत है। आओ देखें इसे कैसे बनाते हैं। मैंने 6 वेस्ट पेपर लिए हैं। हम इन पेपर्स को स्टिक कर लेते हैं फेविकॉल से। पहले यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और फिर इस पेपर को यहाँ पर स्टिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर भी ग्लू लगाते हैं। अब इसे भी इधर से स्टिक कर लेते हैं। अब हमारे 4 पेपर स्टिक हो गए हैं। अब हम 2 और पेपर स्टिक कर रहे हैं। अब हम लास्ट पेपर स्टिक कर रहे हैं। ये पेपर्स कुछ पतले हैं, तो हम इन पेपर्स को ऊपर एक और लेयर चढ़ाएंगे, जिससे कि इस पेपर प्लेन को स्ट्रेंथ मिले। इसमें डबल लेयर चढ़ा रहे हैं। ये इस पेपर प्लेन की सेकेंड लेयर है। अब हम इसके साइड के एजेस स्टेपल कर देते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमने ये 6 पेजेस चिपका लिए हैं। अब हम इसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। देन लाइक दिस के बाद हम इसे थोड़ा सा एज देख के कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके बाद
इसे भी ऐसे ही ले लेंगे। और देखिए हम कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेते हैं इसे लाइक दिस। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करते हैं। अब हमारा प्लेन रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रिप बना लेंगे पेपर की और इसे स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पर स्टिक कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इसे यहाँ इस तरीके से स्टिक करेंगे स्टेपलर से। अब हम ऐसी स्ट्रिप लगा लेंगे पेपर पे। ये देखिए हमने ये लगा दिया। अब ऐसे ही उस दूसरी तरफ लगा लेते हैं। इस स्ट्रिप से हमारे पेपर को प्लेन को स्ट्रेंथ मिलेगी। हम इसे इसकी दूसरी साइड पे भी स्टिक कर लेते हैं। अब हम इसे उड़ा के देखते हैं। तो इसे हमें दो हाथों से पकड़ना है और ऐसे दो हाथों से छूना है तभी ये उड़ पाएगा। ये देखिए वाह।